cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. आप अपने फ्यूचर को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप अपने हैबिट्स को जरूर चेंज कर सकते हैं, और surely आपका हैबिट आपके फ्यूचर को जरूर चेंज करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक ऑल एग्जाम। तो फ्रेंड्स, हमारा एजुकेशन का रिवोल्यूशन सेट 4 कंप्लीट हो चुका है। आज के सीरीज़ में गाइज हम इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस गाइज बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी? आंसर होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बात करते हैं गाइज यूपीएससी की। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी है। क्वेश्चन 2 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएएस? आंसर होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। गाइस, आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए? आंसर होगा नेशनल डिफेंस अकेडमी। ये गाइस एनडीए का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर गाइस इंडियन आर्मी ऑफिसर के कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीडीएस? ये भी गाइस एनडीए की तरह है। यहाँ पर भी आर्मी ऑफिसर के कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, और गाइस इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और कह सकते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएस? आंसर होगा इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस का फुल फॉर्म गाइस इंडियन पुलिस सर्विस होता है। क्वेश्चन 6 हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईईएस? आंसर का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ये गाइस आईईएस का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7 हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म आईएफएस? आंसर का इंडियन फॉरेन सर्विस। ये गाइस आईएफएस का फुल फॉर्म होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। क्वेश्चन 8 हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएस? आंसर का इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। ओके, आईडीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। अपने चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईआईएस? आंसर होगा इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ये गाइस आईआईएस का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन 10 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरपीएफ? आंसर होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ये गाइस आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईआरएस? आंसर होगा इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इंडियन रेवेन्यू सर्विस ये आईआरएस का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन 12 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएस? आंसर का इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। ओके, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ये आईसीएस का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइस। और फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएससी? आंसर होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गाइस इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और गाइस इसका स्थापना 4 नवंबर 1975 में किया गया था। और गाइस यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन 14 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएससीजीडी? तो आंसर होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। गाइस जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएससीसीजीएल? आंसर होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये गाइस एसएससीसीजीएल का फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा आपने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ओके, और नेक्स्ट गाइस एसएससीसीएसएल, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ओके, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईआईटी? आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आईआईटी का फुल फॉर्म होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 18 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जेईई? आंसर होगा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये जेईई का फुल फॉर्म होता है। ओके, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन 19 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीट? आंसर होगा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ओके, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ये नीट का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन 20 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमबीबीएस? आंसर होगा बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है। ओके, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 21 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एआईआईएमएस? आंसर होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये एआईआईएमएस का फुल फॉर्म होता है। ओके, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्वेश्चन 22 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएससी? आंसर का मास्टर ऑफ साइंस। ये एमएससी का फुल फॉर्म होता है, मास्टर ऑफ साइंस। क्वेश्चन 23 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमडी? आंसर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ओके, ये एमडी का फुल फॉर्म होता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। क्वेश्चन 24 हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएचडी? आंसर का डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ये पीएचडी का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 25 हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीए। आंसर होगा बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट ये बीए का फुल फॉर्म होता है। ओके, बीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट होता है। क्वेश्चन 26 हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएससी। आंसर होगा बैचलर ऑफ साइंस। ये बीएससी का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 27 हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टेट। आंसर होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये गाइस टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सीटेट का फुल फॉर्म होता है गाइस सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, टेट का फुल फॉर्म हो जाएगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 29 हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर्मी। आंसर होगा अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग। ओके, अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग ये आर्मी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन 30 हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMA। इसका फुल फॉर्म होता है गाइज इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ओके, यहाँ पर गाइज जब NDA का एग्जाम्स होता है, जब यहाँ के कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको NDA में 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। 3 साल के बाद गाइज इनको 1 साल के लिए IMA ट्रेनिंग दी जाती है। तो गाइज IMA का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी। क्वेश्चन 31 हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर NCC। आंसर होगा नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स। ये NCC का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन 32 हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAFS। आंसर होगा इंडियन एयरफोर्स सर्विस। ये IAFS का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 33 हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RRB। आंसर होगा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ये RRB का फुल फॉर्म होता है। ओके, क्वेश्चन 34 हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTPC। आंसर होगा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये NTPC का फुल फॉर्म होता है। ओके, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए एक बार हम फिर से इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। एक बार फिर से हम इन सभी क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। NDA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। CDS का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। IPS का इंडियन पुलिस सर्विस। IIS का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। IFS का फुल फॉर्म इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। और IDAS का फुल फॉर्म इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस होता है। IIS का फुल फॉर्म इंडियन फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस होता है। और RPF का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। IRS का फुल फॉर्म इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है। ICS का फुल फॉर्म इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस होता है। SSC का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। SSCGD का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी होता है। SSCCGL का फुल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है। एंड गाइस क्वेश्चन 16 था फुल फॉर्म SSCCSL। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल हो जाएगा। और IIT का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। JEE का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। MBBS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। AIIMS का फुल फॉर्म ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होता है। MSc का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ साइंस होता है। MD का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। PhD का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है। और BA का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्ट होता है। BSc का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होता है। टेट का फुल फॉर्म टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। CTET का फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। आर्मी का फुल फॉर्म अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग होता है। IMA का फुल फॉर्म इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और गाइस NCC का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स होता है। IAFS का फुल फॉर्म इंडियन एयरफोर्स सर्विस होता है। RRB का फुल फॉर्म रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड होता है। NTPC का फुल फॉर्म नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होता है। तो गाइज आज का सेशन हमारा होता है यहीं पर कंप्लीट। और गाइज नेक्स्ट पार्ट हमारा बायोलॉजी का है, आप लोग इसको ज़रूर अटेंड करिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।